भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर पूर्व सांसद फुरकान अंसारी के नेतृत्व में रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाली। पदयात्रा शहर के राजबाड़ी रोड, थाना रोड, नगरपालिका रोड, गांधी चौक, स्टेशन रोड आदि मार्गों का भ्रमण करते हुए होटल परिसर पहुंचा। पूर्व सांसद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरा देश महंगाई से त्रस्त है। कहा कि पेट्रोल, डीजल व खाद्य पदार्थों में जिस प्रकार से मूल्य में वृद्धि हुई है, इससे आम लोगों का कमर टूट गया है। जब जब देश में भाजपा की सरकार आई है, तब तब कमर तोड़ महंगाई लाई है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ देश के किसानों ने अपनी शक्ति को दिखाया है। लोकसभा चुनाव में देश की जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। युवाओं को इस सरकार में नौकरी भी नहीं मिली। मौके पर जिला अध्यक्ष मुन्नम संजय, प्रखंड अध्यक्ष त्रिपुरारी सिंह, वहीं प्रखंड कौरों के प्रखंड अध्यक्ष अजीत सिंह, मार्गो मुंडा प्रखंड अध्यक्ष जयशंकर शरण, देवीपुर प्रखंड अध्यक्ष संजय मिश्रा, सारठ प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप नटराज समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। देश को महंगाई के रास्ते पर ले जा करके वहां खड़ा कर दिया कि आज गरीब जो है बहुत परेशानी में है। आज मान लीजिए जिसकी आय बहुत कम है, वो बढ़िया से भोजन भी नहीं कर पाता है। तो इस महंगाई के खिलाफ जो है ये कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी अभियान है। पूरे देश में हर जगह लोग जो है मार्च कर रहे हैं। मधुपुर अछूता था, आज आप लोगों को यह सौभाग्य फुरकान अंसारी जी के नेतृत्व में प्राप्त हुआ है। आज अखिल भारतीय कांग्रेस के आह्वान पर मधुपुर में पूर्व सांसद फुरकान अंसारी के नेतृत्व में पदयात्रा निकाला गया है और हजारों की संख्या में महिला पुरुष कांग्रेसी कार्यकर्ता इनके साथ शामिल है। बात करेंगे किन किन मुद्दों को लेकर। तुम लोग दुकान नहीं खाएगा, हल्ला तो करो महंगाई के खिलाफ में। इस देश के लोग महंगाई से परेशान है, हर चीज महंगा हो गया, जीना दुभर हो गया है। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक साल में टिकट अपना आंदोलन जीत सकता है तो हम लोग क्या नहीं करेंगे। हम लोग पूरा देश के लोग खड़ा होगा महंगाई के खिलाफ में। पूरे देश के लोग महंगाई के खिलाफ खड़ा होगा। महंगाई की मार हर घर में है। 50 रुपये का सामान आज 500 रुपये में खर्चा करना पड़ रहा है लोगों को। उसके लोग क्या जीना दुभर हो गया लोगों को। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग का आह्वान है ये आज यहाँ मधुपुर में है, फिर हम देवघर में करने जा रहे हैं, गोड्डा में करने जा रहे हैं, हर प्रखंड में करने जा रहे हैं, मोहनपुर में करने जा रहे हैं, हेलो सारवा में करने जा रहे हैं, हर प्रखंड में करने जा रहे हैं। हम लोग प्रखंड वाइज यह कार्यक्रम है हम लोग का है और ऐसे करते करते पूरे झारखंड में हम लोग करेंगे और पूरे जनता को बताएंगे कि महंगाई की मार से मोदी हम लोग कितना ठक रहा है यहाँ के लोगों को। इस बात से हम लोग अवगत कराएंगे लोगों को कहाँ हम लोग हर चीज़ महंगा हो रहा है और कहाँ ले जा रहा है, कहाँ से अयोध्या ले जा रहा है हम लोगों को। भाई ये तो करते रहो, जितना तोड़ना है मस्जिद तोड़ दो, जितना मंदिर बना दो, हम लोग उससे मतलब नहीं है। महंगाई को कम करो, ये काम करो तुम, हम लोग उससे मतलब नहीं है। एक तरफ भाजपा का आरोप है कि सरकार जो है खुद अपने राज्य में तेल में जो टैक्स का जो वृद्धि है उसको कम नहीं कर रही है और महंगाई को लेकर आंदोलन, ये कहाँ तक उचित है। राज्य सरकार जो है वेट जो है वो कितना ले रही है, कितना परसेंट, ये देखने की जरूरत है। और आपने कितना ले लिया, आप 63-65% ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं आप, और 2-4-5% की बात कर रहे हैं आप। शर्म आनी चाहिए उसको। साफ तौर पर महंगाई को लेकर के यह निकाली गई है और इस पर में जो है पूरे तरह से जो मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र के पूरे विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता आज इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं और इन पर और यहां पर मैं कई यहां इनकी पुत्री जो कि जिला परिषद प्रतिनिधि के रूप में है किन किन मुद्दों को लेकर क्षेत्र में आज पदयात्रा निकाल रही है। आज महंगाई के खिलाफ में हम लोग पदयात्रा निकाले हैं। हम लोग के जो पार्टी के सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आदेश पे हम लोग ये पदयात्रा कर रहे हैं और जितने हमारे देश में महंगाई है उसके खिलाफ में हम लोग सारे महिला और सारे नौजवान सारे लोग हम लोग निकल करके उनके विरोध में हम लोग पदयात्रा निकाल करके और मोदी के खिलाफ हम लोग
और यहाँ पे जो निजीकरण कर रहे हैं उनके भी हम लोग खिलाफ में पदयात्रा निकाले हुए हैं। यहाँ जिला अध्यक्ष है, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है मुन्नम भाई, किन मुद्दों को लेकर आज जो है क्या संदेश देंगे लोगों को? और यह महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने जो बीड़ा उठाया है इस सरकार के खिलाफ में, राहुल जी और प्रियंका जी के नेतृत्व में, वह पूरा देश जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं, जिस गली मोहल्लों में जा रहे हैं, आम लोगों का अपार समर्थन है ये महंगाई के खिलाफ में कांग्रेस को, कि कांग्रेस लगातार जनता के साथ है, गरीबों के साथ है, किसानों के साथ हैं हम, और इस सरकार के गरीब विरोधी नीति, मध्यम वर्गीय विरोधी नीति को उजागर करने का काम कर रहे हैं। इस सरकार निकम्मी सरकार है, इनको पद पर रहने का जरा सा भी अधिकार नहीं है। इस्तीफा दे, और जिस तरह किसानों से माफी मांगा है वैसे आम लोगों से माफी मांगे कि हमें सरकार चलाने का लूर नहीं है, हम छोड़ते हैं। साफ तौर पर में महंगाई, निजीकरण, विभिन्न जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सड़क पर उतर चुके हैं और लोगों को, आम जनता को जागरूक कर रहे हैं। सहयोगी पुनीत शर्मा के साथ रामचंद्र झा, कशिश न्यूज, मधुपुर।